कैसे हुई दुर्गा माँ की उत्पत्ति, किस भगवान ने दिया कौन सा शस्त्र, सर्वशक्तिशाली जगत जननी माँ दुर्गा की उत्पत्ति की प्रक्रिया को सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और किस भगवान ने अपनी कौन सी शक्ति और कौन से शस्त्र माँ दुर्गा को दिए, यह जानने के बाद आपको पता चलेगा कि माँ दुर्गा सर्वशक्तिशाली क्यों मानी जाती है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। यह 4 वीडियो की एक सीरीज है। इस सीरीज के बाकी 3 वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो के टाइटल को एक बार टच करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद बाकी 3 वीडियो जरूर देखिएगा। महिषासुर से युद्ध हारने के बाद जब सभी देवता 30 लाख सालों तक यहां वहां भटक रहे थे, जब उन देवताओं को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या, कहां से लाएं ऐसी स्त्री जो बहुत ही शक्तिशाली हो और महिषासुर का वध कर सके, तब एक दिन सभी देवताओं ने सोचा कि क्यों ना हम सब मिलकर एक स्त्री की रचना करें जिसमें हम सभी की शक्तियां समाहित हो। इस प्रस्ताव पर सभी की रजामंदी हो गई, लेकिन महादेव ने कहा कि हम ऐसी स्त्री की रचना तो कर सकते हैं, लेकिन उसे संभालेगा कौन, क्योंकि उस स्त्री की शक्तियां तो सबसे अधिक रहने वाली हैं। देवताओं और त्रिदेव के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए सभी देवता और त्रिदेवों ने मिलकर अंतरिक्ष में अपनी शक्तियों को एक जगह पर केंद्रित करना शुरू किया। इस शक्ति से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, मानो पूरा ब्रह्मांड कुछ समय के लिए उस विस्फोट की रोशनी में समा गया। और फिर उस विस्फोट से, उस अग्नि से उत्पन्न हुई जगत जननी माँ दुर्गा, जिनका जन्म युद्ध के लिए ही हुआ था। आपसे विनम्र विनती है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माँ दुर्गा आसमान से भी ऊंची 18 हाथों वाली बहुत ही सुंदर और उतनी ही शक्तिशाली थी। माँ दुर्गा का चेहरा, जो कि शिव जी की शक्ति उनकी एनर्जी से बना था, हजारों सूर्य के जैसे चमक रहा था। माँ दुर्गा के केश यमराज की शक्ति से बने थे, उनकी आंखें अग्निदेव की शक्तियों से बनी हुई थी। माँ की भौहें यानी कि आईब्रोज कामदेव की शक्तियों से बने थे। माँ के कान वायुदेव की शक्तियों से बने थे। माँ की नाक कुबेर देव की शक्तियों से बनी थी। माँ के दांत दक्ष की शक्तियों से बने थे। माँ का निचला होठ अरुणा की शक्तियों से बना था। अरुणा सूर्यदेव के रथ का सारथी है। माँ का ऊपरी होठ कार्तिकेय की शक्तियों से बना था। माँ दुर्गा के 18 हाथ विष्णु जी की शक्तियों से बने थे। उनके सभी 18 हाथों के नाखून वायुदेव, जो कि तूफानों के देवता हैं, उनकी शक्तियों से बने थे। माँ की लाल साड़ी तारों के देवता की शक्ति से बनी है। विश्वकर्मा जी ने माँ दुर्गा के हाथों के लिए अंगूठी और बालों में पहनने के लिए आभूषण बनाए। वरुण देव, जो कि समुद्र के देवता हैं, माँ के लिए कमल के फूलों को बनाया, जिनकी खुशबू कभी भी खत्म ना होने वाली थी। हिमावत, जो कि पर्वतों के देवता हैं, माँ के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और सोने के रंग का शेर बनाया। और जैसे ही माँ ने शेर की सवारी की, उस शेर ने इतनी तेज गर्जना की जिससे पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए अपने अपने हथियार दिए। विष्णु भगवान ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र दिया। महादेव ने अपना त्रिशूल। वरुण देव, जो कि समुद्र के देवता हैं, उन्होंने पानी से बनी हुई रस्सी दी जिससे पूरी की पूरी सेना को एक बार में ही बांधकर मारा जा सकता है। और ऐसा एक शंख भी दिया जिससे समुद्र की लहरों को काबू किया जा सकता है। अग्निदेव ने अग्नि प्रहार करने वाले शस्त्र दिए। वायुदेव ने अपना धनुष और बाण दिए, जो कि कभी खत्म नहीं होते। इंद्रदेव ने कहीं पर भी बिजली गिराने का शस्त्र दिया और अपने हाथी के गले का सोने का हार माँ के शेर के गले में डाल दिया। यमराज ने अपना हथियार फांसी का फंदा दिया, जिसको जितनी दूर चाहो उतनी दूर तक फेंक कर किसी को भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने तांबे का कमंडल दिया, जिसमें गंगा नदी का पानी भरा हुआ था। काल, जो कि समय के देवता हैं, उन्होंने चमकदार कुल्हाड़ी दी। विश्वकर्मा जी ने भी एक सुंदर कुल्हाड़ी दी, जो कि एक गहने की तरह लग रही थी, और सोने से बना हुआ युद्ध में पहनने वाला कवच भी दिया। कुबेर ने माँ को रत्नों से जड़ा हुआ एक प्याला दिया। अंत में सूर्यदेव ने अपनी रोशनी माँ दुर्गा को दी, जिससे उनके चेहरे से हमेशा तेज स्पंदित होता रहे। इसके बाद क्या हुआ? माँ दुर्गा ने महाशक्तिशाली महिषासुर का वध कैसे किया? क्या हुआ महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच? ये देखने के लिए इस सीरीज के आखिरी वीडियो को जरूर देखें। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो के टाइटल को एक बार टच करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। आपसे विनम्र विनती है
कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स को जय माता दी के जयकारों से भर दें। माँ सबका मंगल अवश्य करेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बने लाल बटन पर क्लिक करके इसके बाद जो बेल आइकन आए उसे दबा दें। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए इस समय दिखाए जा रहे नंबर पर मिस कॉल करें। हमारे अन्य रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियो पर अभी क्लिक करें। जय माता दी।